ये अनुमान भी हुआ होगा कि ये जो मौसम है ये इन्फ्लुएंजा का मौसम होता है, और जनरली इस तरीके का इन्फ्लुएंजा जो है पूरी दुनिया में चलता है और सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है। H1N1 और H3N2 इन्फ्लुएंजा इस वक्त जो है हिंदुस्तान में काफ़ी फैल रहा है, और जनरली इसके दो पीक आते हैं। एक पीक आता है जनवरी से लेकर मार्च तक, दूसरा पीक आता है इसका मॉनसून के ख़त्म होने पे। ये वाला जो पीक है इसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मार्च ख़त्म होते होते ये डिक्लाइन हो जाता है। इस बार देखने में आ रहा है कि काफ़ी पेशेंट्स इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं, और जिन लोगों को पहले लंग्स में या अस्थमा की या कोरोना की बड़ी सीवियर रही उनको इसका ज़्यादा असर हो रहा है। जनरली इसके अंदर फीवर आ रहा है, कफ है, सोर थ्रोट है, रनी स्टफी नोज़ है, मसल एंड बॉडी एक, हेडेक्स, फटीग, और अक्सर आपको पता चल रहा होगा कि आसपास जो है लोगों को काफ़ी खांसी, जुकाम, बुखार, इस तकलीफ़ के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो सरकार ने एक एडवाइजरी के रूप में दी है, और वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं ताकि जो मीडिया के हमारे साथी हैं वो भी इसको आगे शेयर करें कि दो तरीके के एज ग्रुप्स हैं जिनको इससे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, वो है 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग और 5 साल से छोटे बच्चे जो है उनको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है इसके अंदर। जिनको पुराने लंग्स की किसी बीमारी की शिकायत है उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और क्योंकि हिंदुस्तान में करीब 6 राज्यों में भारत सरकार की तरफ से कोविड की एडवाइजरी जारी हुई है कि ऐसे 6 राज्य हैं जहां पे कोविड बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, उसमें दिल्ली नहीं है, वो 6 राज्य हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्टर्न में है महाराष्ट्र और गुजरात। दिल्ली इसमें नहीं है, मगर फिर भी दिल्ली सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी हम लोग जारी कर रहे हैं कि कोरोना के और इन्फ्लुएंजा के जो बचाव हैं वो बिल्कुल एक से हैं। तो लोग थोड़ा भीड़भाड़ की जगहों में थोड़ा कम जाएं। अगर आपको खांसी ज़ुकाम है तो आप पब्लिक प्लेसेस पे जो पब्लिक सर्फेसेस हैं उनको टच ना करें, हाथ वगैरह जो है जब मौका मिले आप धोएं, हाथ को जो है नाक, आँख आदि पे ना लगाएं। यही कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो सरकार ने अपनी एडवाइजरी के अंदर जारी किए हैं, और अगर इन सिम्टम्स इन प्रिकॉशंस का लोग पालन करेंगे तो हम लोग जो है इन्फ्लुएंजा को भी रोक पाएंगे, और कोरोना जो है वो उसको शुरू में ही जो है हम रोक सकते हैं। हालांकि जो कोरोना का वेरिएंट हमने जहां जहां पे भी जीनोम उसकी सीक्वेंसिंग कराई है वो वेरिएंट काफ़ी जो है ये कह सकते हैं कि गैर खतरनाक है, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि कोरोना की एडवाइजरी केंद्र ने जारी की है, 6 राज्यों में जारी की है, इसलिए हम एहतियातन दिल्ली में भी मीडिया के दोस्तों के हवाले से जो है लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। और सरकार जो है इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन दे चुकी है अपनी डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस यूनिट्स को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, कि वो इस सिचुएशन को जो है डेली बेसिस पे जो है मॉनिटर करें। इंस्ट्रक्शंस सभी डिस्ट्रिक्ट्स को दे रखी है ताकि वो जो है अर्ली स्क्रीनिंग जो है इंश्योर कर सकें, इस सिचुएशन को मॉनिटर करें कि कहीं पर भी अगर अर्ली राइजिंग के ट्रेंड्स आ रहे हैं तो उसको हम डिटेक्ट कर सकें, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस को हम लोग डिटेक्ट कर सकें, और भी कोई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के जो अगर केसेस आते हैं तो उसको भी जो है हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और सरकार ने ये भी कहा है कि कुछ दिनों में न्यूज़पेपर एडवर्टिजमेंट्स अलग अलग भाषाओं में और FM रेडियो चैनल्स पे एडवर्टिजमेंट्स के माध्यम से जो है थोड़ी और अवेयरनेस हम लोग आगे जो है सरकार जो है अवेयरनेस फैलाएगी। आपके कोई प्रश्न है? और ये
इसके अंदर जनरली कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि साल में दो बार जो है इस तरीके का इन्फ्लुएंजा पूरी दुनिया में जो है बढ़ता है। इस बार क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड के दौरान बड़ी इलनेस रही और आज भी वो जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आ पाए, तो उनको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा आ रही है। हम लोग इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और होपफुली ये ट्रेंड मार्च ख़त्म होते होते कम हो जाता है, तो हम आशा कर रहे हैं कि जो है ये कम हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में अभी बहुत ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में इसके लोग नहीं आ रहे हैं। मोटे तौर पे हमने पता किया तो LNJP में 20-22 मामले रोज़ के आ रहे हैं। दूसरे राजीव गांधी हॉस्पिटल में पता किया तो वहाँ पे 8-10 मामले इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं। बट जनरली अगर हम पब्लिक से सुन रहे हैं तो खांसी ज़ुकाम की शिकायत जो है और एक लंबी खांसी की शिकायत जो है वो चल रही है इस इन्फ्लुएंजा के अंदर। लोगों को महीने महीने डेढ़ डेढ़ महीने तक खांसी की तकलीफ रहती है। देखिए DDMA की जो बैठक है मुझे लग रहा है वो एक रूटीन बैठक है, क्योंकि उसके अंदर कोई एजेंडा के अंदर इन्फ्लुएंजा या कोरोना जैसी बात नहीं है। वो मुझे लगता है कि रूटीन क्वार्टरली उनकी DDMA की मीटिंग होती है, वो रूटीन मीटिंग है उनकी। कोई बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है इस तरीके के जिसमें चिंता करनी पड़े। नहीं, बेड रिजर्व्स बहुत पहले से चल रहे हैं, जब से पिछली कोरोना की साइकिल गई है तब से जो कोरोना के बेड रिजर्व थे अभी तक हमने उनको रिलीज नहीं किया है, तो वही रिजर्वेशन जो है उसका चल रहा है। सर, इससे अलग आपने एक अभी प्रस्ताव रखा है विधानसभा में जो विपक्षियों ने हंगामा किया, LG के अभिभाषण को डिस्कस किया गया। देखिए, इसमें हमारा कहना बड़ा साफ है, LG साहब से हमारे मतभेद हैं और वो मतभेद भी इसी चीज़ के हैं कि प्रजातंत्र की जो मर्यादा है, जो संवैधानिक जो पूरा का पूरा प्रेसिडेंस रहा है उसको बना के रखें LG साहब भी, और हम उनसे यही बात कहते हैं कि संविधान में ये लिखा है तो आप इसी तरीके से करिए, कानूनों के हिसाब से चलें। तो आज LG साहब के अभिभाषण के समय पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ मेंबर्स ने बहुत हंगामा किया। LG साहब उस वक्त हाउस में खड़े हुए थे, उसके बावजूद भी हंगामा जो है उनका चलता रहा। तो जो शेड्यूल 5 है इसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स ड्यूरिंग LG's एड्रेस, तो उसके मुताबिक अगर कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन करता है, खड़ा होता है, वॉकआउट करता है, नारेबाजी करता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करता है जो बार बार जो है विपक्ष के नेता कर रहे थे, तो ये जो है हाउस की अवमानना इसको माना जाएगा और हाउस जो है इसको मोशन पास करके डील कर सकता है। तो हाउस ने आज जो है मोशन पास करके, हालांकि हाउस मोशन पास करके आज भी इनके लिए जो है पनिशमेंट सुना सकता था, ये हाउस के पास ये स्वायत्तता थी, मगर हाउस ने इसको एथिक्स कमेटी में भेजा है ताकि एथिक्स कमेटी इसके ऊपर जांच करके जो है अपनी सिफारिश जो है हाउस को दे। ये बहुत निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरीके से किया। अभी इस तरीके का नहीं है, अभी यही है कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर थोड़ा एहतियात रखें लोग, हाथ वगैरह धोएं, इसी एहतियात से जो है आप इससे बच सकते हैं। क्या कोई टेस्टिंग की प्रक्रिया को यहाँ से बढ़ाया जाएगा? अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, अगर होगी तो आपको बताएंगे। देखिए, सबसे मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जनरली क्या है कि इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं डूज और डोंट्स के अंदर। डूज के अंदर है कवर योर नोज एंड माउथ विद डिस्पोजेबल टिश्यू और हैंकरचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जो जनरली कोरोना के अंदर भी कहा जाता है। फ्रीक्वेंटली वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीजनल इन्फ्लुएंजा मस्ट बी कॉन्फाइंड, स्टे मोर देन एट 1 arm's लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम अदर पर्सन हु इज सिक, टेक एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट, ड्रिंक एडिक्वेट वाटर लिक्विड्स एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड। मोटे तौर पर यह है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से पूछें, उसके प्रिस्क्रिप्शन पे करें और साधारण एहतियात रखें। इससे अलग एक सवाल है
कल आप लोग बहुत बड़ा बीजेपी के कुछ नेता एक फोटो ट्वीट कर रहे हैं कि उसमें ग्रीन कारपेट बिछाया गया है, सीएम कारपेट पे चल के पूरे का नेतृत्व कर रहे हैं। अरे तो अजीत साहब के लिए हमने यहाँ लाल कारपेट बिछाया था, उसमें क्या बड़ी बात है? ये तो बड़ी अजीब बात है। और बताइए, आज दलजी विजय कुमार सक्सेना ने एड्रेस के बाद एक बात कही कि पिछले कुछ समय में बोलने की जो मर्यादा होती है वो टूटी है, ये बयान आया है एड्रेस में, ठीक बात? बिल्कुल ठीक बात है। आप एलजी को ही नहीं बोलने दे रहे वहां, आप संसद में आप विपक्ष को नहीं बोलने दे रहे, मतलब किसी को भी नहीं बोलने देंगे। ये तो तरीका ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। बोलने की आजादी है इस देश में, अभी तक तो है, जब तक इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला अभी तक तो है। वो राजभवन और सरकार के बीच के रिश्तों की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री, और सवाल ये था कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि कुछ मर्यादाएं टूट चुकी है। अब ये तो मुझे लगता है कि जो एलजी ऑफिस से प्रेस रिलीज आती है उसके अंदर जो विशेषणों का इस्तेमाल उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के लिए किया जाता है, मैंने कभी नहीं देखा कि उपराज्यपाल दफ्तर के अंदर कोई आदमी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सके। अगर एलजी साहब इस मर्यादा को वापस सही उस पर लाना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम पहल करने के लिए तैयार हैं। एलजी साहब जो है अपने यहाँ से संयम बरते, हम अपने यहाँ से संयम बरतेंगे। और कुछ मेरे मीटिंग में।